हेलो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल C++ का। और जैसा कि आपने देखा था, हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि कैसे हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं और उन्हें कुछ वैल्यूज दे सकते हैं। अब इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम ये जो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि ए और बी, हम इनकी वैल्यूज कैसे बदल सकते हैं और इनके साथ मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम इस प्रोग्राम में अब थोड़े से मैनिपुलेशंस करेंगे, जैसे कि ये सी आउट हेलो मॉम को फिलहाल मैं हटा देता हूँ। हटा क्या, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है INT A, इसका मतलब है एक ए नाम का कंटेनर खोलो 4 बाइट मेमोरी का और उसमें 12 वैल्यू स्टोर करो। उसके बाद सी आउट ए करो, उसके पहले मैं एक यहाँ पे बैकस्लैश n लगा देता हूँ ताकि, और ऐसे क्लोज, ताकि ये नई लाइन पे अब यहाँ पे ए प्रिंट होगा। अब मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। मैं फिर से लिखता हूँ a = a+1। अब इसमें क्या होगा, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो वैल्यू है a, जो फिलहाल थी 12, उसमें एक ऐड करो, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी अब 13, और वापस से इसको a में स्टोर कर दो। और अगर मैं इसको फिर से दोबारा से सी आउट करवाता हूँ तो आप देखेंगे कि ए की वैल्यू 13 प्रिंट होगी। मैं इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करता हूँ। कम ऑन एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। हाँ, और आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो गया। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा a = 12 सी आउट ए, उसके कारण इसकी वैल्यू नई लाइन पे प्रिंट हुई 12। उसके बाद मैंने लिखा a = a+1, इसकी वैल्यू यहाँ पे आउटपुट हुई 13, और बी तो क्योंकि 13 है तो सी आउट बी 13। और उसके बाद मैंने लिखा था यहाँ पे a+b, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में है इसलिए यहाँ पे एज इट इज a+b प्रिंट हुआ। थोड़ा आउटपुट अच्छे फॉर्मेट में आता है और उसका आंसर था 0, बिकॉज a - b ऑब्वियसली 13, 13 - 13 सॉरी इज 0। तो हम उसको अभी बंद करते हैं। अब आप इसके अलावा बहुत सी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे a - 1 भी कर सकते हैं, इंटू ए भी कर सकते हैं, सॉरी इंटू ए। अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं, 12 × 12 144 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम वेरिएबल्स के मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि जो C++ का कंपाइलर है, इट ऑलवेज वर्क फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब ये राइट साइड के कैलकुलेशन करता है, उनकी वैल्यूज को इस साइड जो कि इक्वालिटी के साइन के लेफ्ट में है उसमें इस वाले ए में स्टोर कर देता है। तो इस तरह से हमारे मैनिपुलेशन वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं। मैं आपको थोड़े से और मैनिपुलेशन करके दिखाता हूँ। जैसे a * a लिखा है तो मैं इसकी जगह यहाँ पे a * 3 भी लिख सकता हूँ। तो इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, a * 3 = 36, 12 * 3 = 36। और जैसे कि यहाँ पे b = 13 है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ b = a * 13, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो और b इसकी वैल्यू अब अपने में स्टोर करेगा a * 13। मतलब हम एक वेरिएबल में, यहाँ पे है ए, उसमें मैनिपुलेशन करके उसकी वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए पहले 12 था तो एज इट इज 12 प्रिंट हुआ। उसके बाद a * 3 = 36, फिर आया b = a * 13, तो 36 * 13 = 468 यहाँ पे दिखा रहा है, तो वो प्रिंट हुआ। उसके बाद a - b यहाँ पे -432 प्रिंट हुआ। इसी तरह आप INT A जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू है, इसकी जगह आप दूसरे वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि फ्लोट। मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा a * 3.7, अब देखिए मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए एक एरर आ रहा है इन फंक्शन INT मेन, और यहाँ पे कैन नॉट कन्वर्ट टू INT फ्रॉम डबल। अब ये एरर क्यों है, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। वापस सही, अब आप देख सकते हैं कि क्यों आया। मैंने ए जो था वो इंटीग्रल टाइप का एक वेरिएबल लिया था, मतलब जो ए था वो डेटा टाइप उसका इंटीजर था, तो वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज अपने में स्टोर कर सकता था। क्योंकि यहाँ पे मैंने ए में डेसिमल वैल्यू मल्टीप्लाई की, तो जो ए का नया आंसर था 12 * 3.7, जो कि कुछ होता है, हम उसको कैलकुलेटर जल्दी से कैलकुलेट करके देखते हैं। हाँ, तो 12 * 3.7 होता है, आप देख सकते हैं 12 * 3.7 = 44.4। तो यहाँ पे 44.4 आना था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 44 प्रिंट हुआ है। 0.4 कहाँ गया, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू टाइप का था ए, तो
में 30.7 का मल्टीप्लीकेशन करने से आया 44.4, उसमें से उसने सिर्फ इंटीग्रल पार्ट जो था, जो था 44, उसको उसने प्रिंट कर दिया, 0.4 को उसने डेप्रिकेट या रिमूव कर दिया, क्योंकि ए सिर्फ इंटीग्रल टाइप का था। अगर मान लीजिए मैं पूरी वैल्यू चाहता हूँ तो यहाँ पे INT की जगह फ्लोट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे फ्लोट अगर मैं लिखूंगा, अब आप देखिएगा आंसर क्या आता है। हाँ, इस बार आप देख सकते हैं कि आंसर में 44.4 पूरी डेसिमल वैल्यू के साथ आया है, क्योंकि मैंने फ्लोट लिया है। अब फ्लोट ऐसा डेटा टाइप है जिसकी रेंज इंटीजर से ज्यादा होती है, ये अपने में डेसिमल वैल्यूज भी स्टोर कर सकता है। फ्लोट के अलावा और बहुत सारे भी डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि डबल, लॉन्ग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारे होते हैं वो, जो कि हम बाद में आगे अपने प्रोग्राम्स में देखेंगे। तो फिलहाल मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स में मैंने आपको बताया कि कैसे हम वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं और उनमें डेसिमल वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन करेंगे अगर इंटीग्रल किसी वेरिएबल में तो क्या आंसर आएगा, और अगर हमको पूरी डेसिमल वैल्यू देखनी है तो हमको किस तरह का डेटा टाइप लेना होगा। तो फिलहाल इस ट्यूटोरियल में इतना ही, आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जुड़े रहिए।